ऑनलाइन हब 2022 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज का एक नया टॉपिक है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब का, जो हाई कोर्ट में जो दीपक कुमार ने जो याचिका दायर की थी। अब हाई कोर्ट का साफ संदेश ये दिया गया है कि जो भी एनसीसी का जो मार्क्स मिलने वाला था, जो भी ए बी सी जो भी होगा, उसको अब मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि आज एक जो अपडेट मिला है मुझे, आपको सीधा वेबसाइट के द्वारा मैं अपने सिस्टम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा रियल टाइम में कि एनसीसी का मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये मैंने डायरी नंबर डाला, मैंने सबमिट मारा। जैसे ही सबमिट किया, सबमिट करने के बाद एक जो दीपक कुमार का याचिका था वो सामने आया मेरे, उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही क्लिक करूँगा, आपको ये डेट दिखेगा कि 27 जुलाई को सुनवाई है। तो नेक्स्ट सुनवाई जो है, आप लोग को पता ही है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 27 जुलाई को बताया गया है। अब बताते हैं कि ये ऑर्डर क्या जारी किया गया है। हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया है, इसमें मैं व्यू ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। व्यू ऑर्डर क्लिक करने के बाद एक कैप्चा कोड मांगेगा, जो अभी आपको दिखाई देगा। कैप्चा कोड आया, कैप्चा कोड में जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद इसमें जो भी एंटर करूँगा, फिर सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट की तरफ से, वो हमारे सामने ओपन होगा। तो आपको बता दूँ कि मैं पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि किस वजह से ये जो ऑर्डर मिला है आपको, सेम वजह वही है कि जो बहुत पहले मैं आपको समझाया था कि ये गवर्नमेंट का 2020 का 19/3/2020 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जो एक नोटिस जारी था पहले से ऑलरेडी, कि एसआई हुआ पोस्ट, मतलब बड़े पोस्टों के लिए ये जो एनसीसी मार्क्स मिलेंगे, जैसे मैं सब इंस्पेक्टर हुआ, कांस्टेबल हुआ, एसआई हुआ, ये सबको एनसीसी का मार्क्स मिलेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और अपने डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। जो भी मेरा जो नोटिस था, रियल नोटिस जो है, वो मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, आप दोबारा देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकती है कि सीधा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 19/3/2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस इशू हुआ था, जो कि लिखा था कि बेनिफिट्स नेशनल कैडेट कॉरपोरेशन, मतलब एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट होल्डर, जितने भी लोग ए बी सी जिसके पास सर्टिफिकेट है, उनको सब इंस्पेक्टर जी डी एंड कांस्टेबल, जी डी में अप्लाई करेंगे या कांस्टेबल में, एसआई में बड़े पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं, तब उनका ए बी सी जो सर्टिफिकेट है उनका लाभ ले सकते हैं। अभी इसमें अभी क्या है कि ये जो दीपक कुमार जी हैं, जो कुक ट्रेड से हैं, ये कुक ट्रेड मतलब आता है ये ट्रेडमैन में, और ट्रेडमैन में ये लागू नहीं होता। तो साफ साफ इन्होंने एक नोटिस जाहिर कर दिया कि ये जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मार्च 2020 में ये डेट इशू कर दिया गया था। तो जो डेट इशू जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो इशू कर दिया था कि जो भी बड़े पोस्ट के लिए है, जी डी एस आई और कांस्टेबल के लिए ही आपको एनसीसी का मार्क्स मिलेगा। तो आपको फिर से बता दूं कि ये जो दिया हुआ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि द रिस्पॉन्सिबल आर डायरेक्ट टू फाइल्स स्पेसिफिक एफिडेविट दैट दे हैव नेवर पोस्टेड नॉर सेल द पोस्ट ए पर्सन सेलेक्टेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ राइफलमैन कुक एंड ग्राउंड डे ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इसका जो डेट पड़ा है 27 को, अगला डेट पड़ा है 27 जुलाई को, तो उस दिन हमारे हिसाब से अगर सुनवाई होती है तो उस दिन फाइनल क्लियर फाई हो जाएगा कि अब रिज़ल्ट कब आएगा आपका। तो 100% अब आपका रिज़ल्ट आने वाला है, और कोई भी अपडेट आगे नहीं बढ़ेगा। प्रयास यही है कि अब उस डेट को सुनवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि ये डेट क्लियरफाई हो गया है कोर्ट की तरफ से, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। और जैसे कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि नीचे का क्या लिखा था रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर, तो मैंने आपको गूगल ट्रांसलेट के द्वारा मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखा दिया। उत्तरदायक के एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्देश दिया गया, मतलब इनका पहले से ही निर्देश दिया है कि जो कुक ट्रेड से हैं, जो ग्राउंड कुक से हैं, रसोई में जो काम करने वाले हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल सकता, चाहे एनसीसी किए हों चाहे न किए हों, वो बराबर का हिस्सेदारी होंगे। और जो भी लड़का जीडी पद पे होगा, जो एसआई पद पे होगा, बड़े पोस्ट पे होगा, उसमें आपको ये जो एबीसी का जो सर्टिफिकेट है वहाँ आपका मान्य होगा, आपको जो भी नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बट आपको ट्रेडमैन के लिए, आपको कुक ट्रेड के लिए खास तौर से, इसमें आपको ये
प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपका जो एनसीसी मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे। आज हाई कोर्ट के द्वारा, हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा 100% इशू कर दिया गया। ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया था, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है उस वीडियो का लिंक, जो भी वो देखना चाहते हैं वो रियल जो नोटिस है वो दिखा सकता हूँ। आज के लिए सर इतना ही, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।